हेलो दोस्तों, YouTube चैनल में आज फिर से आपका स्वागत है। देखिए आज मैं आपको क्लास 12 की एक्सरसाइज 4.3 का यानी फर्स्ट सवाल बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। तो देखिए हमारे पास यहाँ क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित प्रत्येक में दिए गए शीर्ष बिंदुओं वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिये हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड यानी तीन सवाल हमारे पास दे रखे हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट सवाल के सोल्यूशन के लिए चलेंगे, ध्यान से समझेंगे। तो देखें यहाँ पे हम इसका क्षेत्रफल हमसे पूछा है इसने, तो क्षेत्रफल क्या होगा यानी क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे यहाँ पे। तो यहाँ लिखते हैं हम क्षेत्रफल इक्वल टू, तो देखें हमारे पास यहाँ पे होता है 1/2, फिर हमारे पास अंदर जो भी रहने की मान होता है वो हमारे पास ये आते हैं जो लिखे हुए हैं बिंदु, उन्होंने 1 लिखा, 0 लिखा, फिर यहाँ 6 लिखा, फिर 0 लिखा, फिर यहाँ पे हमारे पास 4 और 3। देखिये लास्ट वाला स्टेप होता है वो हमको 1 और 1 लेना पड़ता है, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे हमारे देखिए मॉड का चिन्ह लगा हुआ है, तो हमको मॉड निकालना है। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको मॉड निकालना सिखाया था, तो उसी मेथड से हम यहाँ पे चलेंगे। तो देखिए हम चलते हैं यहाँ, सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हमारे पास 1 दे रखा है, ठीक है। अगर हमने फर्स्ट यहाँ पे आने की मान लिया है तो देखिये इसके सामने जो भी स्टेप पड़ते हैं उनको छोड़ देते हैं, तो देखिये ये वाली लाइन और ये छूट जाएगी, हमारे पास ये वाला स्टेप आएगा। तो हमने लिखा है यहाँ पे 1 और फिर अंदर लिख लेते हैं 0131, यहाँ लिखा 0131, ये लिख लिया हमने। फिर अगले स्टेप पे चलेंगे, देखें यहाँ पे हमारे पास 0 आता है, यहाँ पे चिन्ह होता है माइनस का, 0 ले लिया। अब यहाँ से देखेंगे ये वाली लाइन और ये छूट जाएगी, हमारे पास स्टेप बचते हैं हमारे पास ये और ये वाले, तो वही स्टेप हमको यहाँ लिखना है। हमने लिखा 6 लिखा, 1 लिखा, फिर 4 लिखा, फिर 1 लिखा। फिर नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे, हमारे पास यहाँ दे रखा है 1, यहाँ चिन्ह होता है प्लस का, 1 लिखा हमने। फिर देखिए हमारे पास ये वाली लाइन और ये छूट जाएगी, अब हमारे पास ये स्टेप बचते हैं उनको लिखेंगे हम, यानी 6 लिखा, 0 लिखा, फिर 4 और 3 लिखा हमने। ये लिखने के बाद देखिए अब हम इसका सोल्यूशन करेंगे, तो देखें किस टाइप से करते हैं, ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई होती है, तो हमारे पास बाहर 1 दे रखा है, अंदर इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से 0 भी करेंगे 0 आएगा, फिर इससे यानी कि हम करेंगे 3 से 1 के साथ, तो यहाँ बीच में माइनस का चिन्ह होता है, तो 3 निकल 3। फिर इसी टाइप से देखिए हमारे पास ये 0 है बाहर, अगर हम इसकी मल्टीप्लाई भी करते हैं और 0 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर 0 ही आएगा, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 0। फिर इसी टाइप से अगले स्टेप में चलेंगे, हमारे पास 1 दे रखा है, फिर अंदर 3 × 6 = 18, फिर माइनस, फिर 4 से 0 भी गुणा करेंगे तो 0 आएगा हमारे पास। अब यहाँ पे देखें जो भी स्टेप जोड़ता है उसको जोड़ेंगे, जो घटता है उसको घटाएंगे, तो 1/2 हमने बाहर वाला लिख लिया। देखिए 3 में से 0 घट रहा है तो माइनस का 3 आएगा, माइनस 3 से 1 की गुणा होगी तो माइनस का 3 ही आएगा, माइनस का 3। यहाँ पे देखिए 18 × 18 होता है बराबर, हमारे पास 1/2 यहाँ बार वाला स्टेप है, यहाँ पे देखिए हमारे पास स्टेप यानी घट रहा है, तो 18 में से 3 कम हुआ, यहाँ पे हुआ 15। अब देखिये 15 × 15 होता है यहाँ पे, फिर 2 बचा, हमारे पास ये आंसर आता है, इसको लिखेंगे वर्ग इकाई, क्योंकि हमारे पास जो भी क्षेत्रफल होते हैं वो वर्ग इकाई में लिखे जाते हैं। अगर मेरा मेथड समझ में आया तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए।